सार्थ सुभाषित संग्रह संसार दावा नल दाह नीरम सम्मोह धूली हरने समीरम मायार सादारन सार सीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। अर्थात जिन्होंने संसार रूपी दावानल की अग्नि को शांत कर दिया तथा मोह और माया को नष्ट कर दिया, ऐसे महान धैर्य संपन्न तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को मैं वंदन करती हूँ। वदनम प्रसाद सदनम सदय हृदयम साधु मुयो वाचः करणम परोपकरणम एषां केषां नते वंद्याः। अर्थात जिनका वदन आनंद का सदन है, हृदय दया से परिपूर्ण है, वाणी अमृत वर्षिणी है, तन मन वचन परोपकार में संलग्न है, ऐसे परम संत भगवंत सभी के लिए परम वंदनीय है। स्वकृतम दुष्कृत गर्हन सुकृतम चानुमोदयन नाथ त्वचरणो यामी शरणम शरणोज्जित। अर्थात कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी वितराग परमात्मा की स्तुति करते हुए फरमाते हैं कि हे नाथ, मेरे किए गए दुष्कृतों की गरहा तथा सुकृतों की अनुमोदना करता हुआ शरण रहित मैं आपके चरणों की शरण स्वीकारता हूँ। जहाँ खरो चंदन भार वाही भारस भागी नहु चंदनस एवं खुनानी चरने नहीं नो भारस भागी नहु सुग ईये। अर्थात जैसे चंदन का बोझा ढोने वाला गधा भार का ही भागी है, चंदन का नहीं है, उसी प्रकार क्रिया से हीन ज्ञानी भी भार का ही ज्ञान के बोझे को ही ढोने वाला है किंतु सद्गति का भागी नहीं है। सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम जीनांघ्रि द्वैते मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात सुंदर शरीर हो, नई नवेली दुल्हन हो, धन का मेरु पर्वत सा अंबार हो, वाणी भी सुंदर हो, जादुई हो, किंतु जिनेश्वर देव के चरणों में अगर भक्ति न हो तो उस शरीर से क्या फायदा, उस दुल्हन से क्या फायदा, उस धन से क्या फायदा और उस वाणी से क्या फायदा। शास्त्रेषु निष्ठा सहजश्च बोध प्रागल्भ्यमभ्यस्त गुणाच वाणी कालानुरोध प्रतिभानत्वमेते गुणः काम दुदः क्रियासु। अर्थात शास्त्रों में दृढ़ आस्था हो, स्वाभाविक समझ हो, प्रगल्भता यानी परिपक्वता हो, अभ्यासपूर्ण अर्थपूर्ण भाषा हो, समयज्ञता और प्रतिभा शक्ति नई नई कल्पनाओं का सामर्थ्य हो, ये गुण यदि व्यक्ति में हो तो वे कार्य में कामधेनु समान इच्छित फल देने वाले होते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अर्थात गुणवान ही गुण की कद्र कर सकता है, निर्गुणी नहीं। बलवान ही बल को जान सकता है, निर्बल नहीं। जैसे कोयल ही बसंत ऋतु के गुण को विशेषता को पहचान सकती है, कौवा नहीं, और हाथी ही सिंह के बल को उसकी ताकत को उसकी शक्ति को पहचान सकता है, चूहा नहीं। दाता दरिद्री कृपनो धनाढ्य पापी चिरायु सुकृतिर गतायु कुले च दास्यम अकुले च राज्यम कलो युगे षड् गुणमावहंती। अर्थात दाता गरीब
और कंजूस अमीर होते हैं। पापी दीर्घायुषी और पुण्यवान अल्प आयु वाले होते हैं। ऊंचे कुल में दासत्व और नीच कुल में राज्य सत्ता, ये छह बातें कलयुग में विशेष रूपेण बढ़ती है। तत्त्वं चिन्तय सततं चित्ते, परिहर चिन्तां नश्वर वित्ते, क्षणमिह सज्जन संगतिरेका, भवति भवार्णव तरने नौका। अर्थात हमेशा मन में तत्व का विचार करे, क्षणिक धन की चिंता छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए सज्जनों की संगति ही बहुत सागर से तिराने वाली नौका की तरह है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नम्भा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा, परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, बादल स्वयं फसल को नहीं खाते हैं। सज्जनों का वैभव औरों के भलाई के लिए ही होता है। तेज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्य मोहोरात्रम, स्मर नित्यम नित्यताम। अर्थात दुर्जनों की संगत छोड़ सज्जनों का समागम कर, दिन रात पुण्य का उपार्जन और सदा अनित्यता को याद कर, स्मरण कर। ध्यानेन शोभते योगी, संयमेन तपोधनः, सत्तेन वचसा राजा, गृही दानेन चारुना। अर्थात ध्यान साधना से योगी, संयम के कारण तपस्वी, सत्यवाणी के द्वारा राजा और अच्छे योग्य दान से गृहस्थी सुशोभित होते हैं। दानेन वर्धते लक्ष्मी, कीर्ति पुण्येन वर्धते, विनयेन पुनर्वित्तम, गुणा सर्वे विवेकतः। दान से लक्ष्मी, पुण्य से कीर्ति, विनय से धन सम्मान और सभी गुण विवेक से बढ़ते हैं। सत्तेन तपसा क्षान्त्या, दानेनाध्ययनेन च, ये धर्ममनु कुर्वन्ति ते नरः स्वर्गगामिनः। अर्थात सत्य, तप, क्षमा, दान और स्वाध्याय के द्वारा जो धर्म का पालन करते हैं, यानी अनुकरण करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी बनते हैं। न च राज भयम्, न च चोर भयम्, न च वृत्ति भयम्, न वियोग भयम्, इह लोक हितम् परलोक सुखम्, शमनत्वमिदं रमणीयतरम्। अर्थात न राजा का डर, न चोरों का डर, न विरह का डर, और जो इस लोक परलोक में हितकारी सुखकारी, ऐसा यह श्रमणत्व अत्यंत रमणीय है। विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानम्, इन्द्रियाणां च संयमः, अहिंसा गुरु सेवा च, निःश्रेयस्करं परम्। अर्थात विद्या का अभ्यास, स्वाध्याय, तप, ज्ञान, इंद्रियों पर संयम और गुरु की सेवा, ये मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। बिना गुरुभ्यो गुणनिरधिभ्यो, जानाति तत्त्वं न विचक्षणोऽपि, आकर्ण दीर्घायत लोचनोऽपि, दीपं विना पश्यति नान्धकारे। अर्थात गुणों के सागर गुरु के बिना विचक्षण भी तत्व को जान नहीं सकता, जैसे कान तक लंबी आँख वाला भी तीक्ष्ण दृष्टि भी दिए के बिना अंधेरे में देख नहीं सकता। विद्या मित्रं प्रवासेषु च, भार्यां मित्रं गृहेषु च, रोगिणश्चोषधं मित्रं, धर्मो मित्रं मृतस्य च। अर्थात यात्रा में अपना मित्र ज्ञान होता है,
घर में मित्र पत्नी बनती है, रोगी का मित्र दवा कहलाती है और मृत्यु वेला में अंतिम समय में मित्र धर्म होता है। धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता सम्यक् वक्ता ततोऽपि च श्रोता ततोऽपि श्रद्धावान् कर्ता कोऽपि ततः सुधि। अर्थात सर्वप्रथम धर्म का जानने वाला मिलना ही कठिन है, उससे भी कठिन धर्म सही तरीके से बताने वाला, उससे कठिन धर्म का श्रोता है, उससे कठिन है श्रद्धा रखने वाला, लेकिन उससे भी कठिन है धर्म को करने वाला, जो कि कोई कोई ही सुदीजन होता है। अन्नेन गात्रम नयनेन वक्त्रम नयेन राज्यम लवनेन भोज्यम धर्मेन हीनम बत जीवितव्यम न राजते चंद्रमसा निशीथम। अर्थात अन्न के बिना शरीर की, आंखों के बिना चेहरे की, नीति के बिना राज्य की, शासन की, नमक के बिना भोजन की, चंद्र के बिना रात्रि की, जैसे शोभा नहीं होती है, वैसे ही धर्म के बिना जीवन की भी कोई शोभा नहीं होती है। जय आनंद।